गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड चैप्टर सेकेंड चैप्टर है फंक्शंस ऑफ़ मैनेजमेंट तो सबसे पहले मीनिंग समझेंगे मीनिंग है द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द मैनेजमेंट फॉर अकम्पलिशिंग दियर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव आर रेफर्ड एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो एक मैनेजमेंट द्वारा करी जाती हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कि जो जो काम एक बिजनेस द्वारा एक मैनेजमेंट द्वारा करे जाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनको क्या बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो कुछ मैनेजेरियल फंक्शंस है मेन फर्स्ट है प्लानिंग सेकंड ऑर्गेनाइजिंग थर्ड स्टाफिंग फोर्थ डायरेक्टिंग फिफ्थ कंट्रोलिंग एंड सिक्स कोऑर्डिनेटिंग तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है प्लानिंग करना एक मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है प्लान करना इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग मतलब किस रिलेटेड प्लानिंग करेंगे वट टू डू वेन टू डू वेयर टू डू हाउ टू डू एंड हो टू डू कि कौन करेगा कब करेगा कहाँ करेगा कैसे करेगा तो इन सभी एक्टिविटीज़ को प्लान करना फ़र्स्ट फंक्शन क्या हो गया प्लानिंग हो गया सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग जब मैनेजमेंट प्लानिंग कर लेती है तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग करना ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं अपने वर्क्स को हम ग्रुपिंग में बांटते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कंपनी ने कौन से ऑब्जेक्टिव सेट करे तो ऑब्जेक्टिव सेट हम कहाँ करते हैं प्लानिंग में तो आइडेंटिफिकेशन पहले ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं सेकेंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ अपने कामों को ग्रुप्स में बांट लेते हैं कि कौन कौन से काम है पैकिंग का अलग लेबलिंग का अलग प्रोडक्शन का अलग फाइनेंसिंग का अलग तो सभी कामों को क्या करते हैं हम ग्रुप्स में बांट लेते हैं थर्ड असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ कामों को असाइन करना मतलब ड्यूटीज़ देना किसका काम क्या है किसका क्या है कौन सी मैनेजमेंट करेगी नेक्स्ट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेट करना मतलब अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना तो एक मैनेजमेंट क्या करती है अपने सबोर्डिनेट्स uh, को अथॉरिटी डेलीगेट करती हैं नेक्स्ट डिफाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बताती है तो प्लानिंग होगी ऑर्गेनाइजिंग मतलब ग्रुपिंग थर्ड स्टेप हमारा है स्टाफिंग स्टाफिंग मतलब स्टाफिंग मतलब रिलेटेड टू स्टाफ वर्कर्स कि कौन से वर्कर्स रखने हैं किन को नहीं रखना कैसे रखना है तो ये सारी प्रोसेस किस में आती है स्टाफिंग में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आइडेंटिफाइंग करते हैं कि कौन कौन से काम हैं उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स रखते हैं प्रिक्यूरिंग वर्कर्स की इंटरव्यू लेना उनको टेस्ट लेना डिवेल्पिंग एंड इवेल्यूटिंग उनकी ट्रेनिंग देना डिवेल्प मतलब ट्रेनिंग देना उनको इवेल्यूएट मतलब उनको चेक करना कि काम सही कर रहे हैं नहीं कंपेंसेट उनको कंपेंशेसन वेजेस देना सैलरी देना मेंटेनिंग उनको हटने नहीं देना उनको मेंटेन करके रखना वर्कर्स को तो ये सारा वर्कर्स से रिलेटेड काम किस में आते हैं स्टाफिंग फंक्शन में नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्टिंग नेम से ही क्लियर है डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना अपने वर्कर्स को अपने सबोर्डिनेट्स को डायरेक्शन देना तो इट डील विद इन्फ्लुएंसिंग उनको प्रभावित करना काम के लिए मोटिवेट करना गाइडिंग करना सुपरवाइजिंग करना इसमें मेन चार सब फंक्शंस आते हैं फर्स्ट है लीडरशिप कम्युनिकेशन मोटिवेशन और सुपरविजन लीडरशिप मतलब गाइडेंस देनी कम्युनिकेशन मतलब उनको कम्युनिकेट करना मोटिवेशन मोटिवेट करना सुपरवाइज मतलब उनका चेकिंग करना तो डायरेक्शंस में क्या आता है ये सारे फंक्शंस आते हैं नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन मतलब उनके साथ कॉपरेट करना कोई इस इसमें आता है उनको प्रॉपर अमाउंट देना सैलरी देना टाइम देना उनको कि जितना उनको नीड है उतना टाइम देना काम के लिए क्वालिटी चेक करना सो देयर एफर्ट्स रिलेटेड टू द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल्स ताकि वो खुशी खुशी कोऑर्डिनेशन से अपना काम करें और गोल्स को अचीव करें नेक्स्ट है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग मतलब उनको कंट्रोल करना अगर कोई काम गलत हो रहा है तो कंट्रोल करना तो इसमें क्या आता है सबसे पहले हम प्लैंड कोर्स को चेक करते हैं एस्टैब्लिश प्लैंड कोर्स कि हमने कितना ऑब्जेक्टिव सेट किया था मान लो मंथली हमने टारगेट सेट किया था कि फाइव लैख गुड्स तैयार करने है प्रिपेयर करने हैं फ़ाइव लैख फिर मेज़र करते हैं एक्चुअल को कि हुआ काम कितना मान लो फाइव लैख गुड्स प्रिपेयर नहीं हुई फोर लैख गुड्स प्रिपेयर हुई है तो हम क्या करते हैं मेज़र करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को फिर कंपेयर करते हैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड से भी हमने गोल्स क्या रखा था हुआ काम कितने है देन अगर काम नहीं हुआ जितना हमने टारगेट रखा तो तो हम क्या करते हैं कोैक्टिव एक्शंस लेते हैं उस पर ताकि हमारी इंप्रूवमेंट हो सके तो ये सिक्स फंक्शंस हैं हमारे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग तो इन सभी पॉइंट्स को आपने रिवाइज करने हैं और नोट्स प्रिपेयर करने हैं ओके स्टूडेंट्स थैंक यू